हेलो एवरीवन वेलकम टू वर्थ्स एजुकेशन आज हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर्स के बारे में एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर क्या होते हैं वो सेमीकंडक्टर जिसमें हम इंप्योरिटी एटम्स को ऐड करते हैं ताकि उसके चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन को हम बढ़ा सकें ठीक है उनको हम कहते हैं एक्सटेंसिंग सेमी जब चार कैरियर्स का नंबर बढ़ जाएगा तो क्या होगा उसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी ठीक है तो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर क्या हुए ए सेमीकंडक्टर डोप्ड विद सम सम्यूटेबल इंप्योरिटी एटम सो एज टू इंक्रीज इट्स नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इज कॉल्ड एन एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर ये टू टाइप्स के होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर पहले हम एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कैसे बनते हैं जब हम सिलिकन और जर्मेनियम के प्योर क्रिस्टल में क्या डालते हैं सिलिकन और जर्मेनियम के प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं किस इंप्योरिटी को पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं तब जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको बोलते हैं है हम एन टाइप सेमीकंडक्टर और ये जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम्स होते हैं ये पीरियोडिक टेबल में फिफ्थ ग्रुप में लाई करते हैं ठीक है द सेमी कंडक्टर इज ऑप्टेन बाई डोपिंग द ट्रेट्रावलेंट सेमी कंडक्टर सिलीकन्स विद पेंटाविलेंट इंप्योरिटी सचैस कौन कौन से हो गए फॉस्फोरस हो गया ठीक है एंटीमनी हो गया ठीक है ऐसे ऐसे जो ये वाले जो हम एटम ऐड करते हैं उसमें तो एंटाइप सेमी कंडक्टर बनता है देखो इसको इस तरह से समझते हैं अब हमने क्या कहा हमने पेंटाविलेंट इम्प्योरिटी एटम एड किया मीन्स उसके वैलेंस शेल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं फाइव ठीक है तो इस तरह का बनेगा कुछ देखो प्लस फोर मीन्स ये सिलिकन है इसमें फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये प्लस फोर हो गया और प्लस फाइव हो गया फास्फोरस ठीक है फास्फोरस में क्या होता है जब हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखी तो इसके जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है फ्री फाइव तो जब इसको हमने यहां पे एड किया तो इसके फोर वाले एटम जो इसके फोर वाले आ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने तो बॉन्ड बना दिया कोविलेंट बॉन्ड किसके साथ सिलिकन के साथ वन टू थ्री फोर यहां पर तो उन्होंने कोविलेंट बॉन्ड बना लिया बट अब इसमें तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं फाइव तो एक वाला फ्री इलेक्ट्रॉन तो बच गया ठीक है ये क्या हो गया अनबाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन तो यहां पे क्या हो गया एक्स्ट्रा आ गया क्लियर है तो इट मींस क्या हो गया अभी यहां पे एक ही नहीं होगा ऐसा ऐसे तो फास्फोरस के कितने आइटम्स डाले होंगे ठीक है तो उन सबके साथ क्या आ जाएगा एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल रहा है हमें ठीक है तो एंटेप सेमी कंडक्टर्स में क्या हो गया जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो गया उनका नंबर ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू होल्स ठीक है अब देखो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा बहुत लूजली बाउंड होगा इससे ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा ये ये जो इसके पास जो ये आपके पास जो इंप्योरिटी आइटम है ये क्या करेगा इसको डोनेट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को ठीक है तो इसको इसलिए हम क्या कहते हैं इसको इस वाले इंप्योरिटी आइटम को हम क्या कहते हैं इसको हम डोनर भी कहते हैं क्या कहते हैं डोनर 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 बिकॉज क्यों कहा इसको डोनर क्योंकि ये क्या करेगा अपना फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इसलिए इसको डोनर भी हम कहते हैं ट इंप्योरिटी आइटम डोनेट वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन इट इज कॉल्ड डोनर इसलिए हम इसको क्या कहते हैं डोनर जितने भी हम पेंटाव्यूरिटी डालेंगे वो आइटम क्या करेंगे एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे कंडक्शन के लिए इसलिए उनको हम डोनर भी कहते हैं और यहां पर अगर हम इस एन टाइप सीमी कंडक्टर में देखेंगे तो जो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू होल्स क्यों क्योंकि देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो टू टाइप से बन रहे हैं एक तो थर्मल जनरेशन से जो नॉर्मल बन रहा था जो इंटेंसिक सेमीकंडक्टर में भी बन रहा था आपने इसको हीट किया कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ और इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वो तो हो ही रहे हैं वो तो है ही हैं इलेक्ट्रॉन्स बट अब ये वाली जो आपने इम्प्योरिटी डाल ली ये अपने साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन को लेके आ रही है ठीक है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कैसी हो जाएगी इसमें ज़्यादा तो इसमें हम बोलेंगे मेजोरिटी कैरियर मेजोरिटी कैरियर्स होता है जिनकी वैल्यू ज्यादा है ठीक है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी कैरियर्स कौन बन गए अब इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी कैरियर्स कौन बन गए होल्स होल्स क्यों माइनॉरिटी कैरियर्स रहे बिकॉज होल्स की वैल्यू तो उतनी ही है होल 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 किसकी वजह से बन रहे हैं सिर्फ वही जो आप हीट दे रहे हो कोवलेंट बॉन्ड टूट रहा है जो फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा है उसकी जगह पे जो स्पेस बच रहा है वो वाला होल थे ठीक है उनकी वैल्यू तो सेम रही ठीक है तो होल की वैल्यू क्या होगी इसमें कम होगी एज कंपेयर टू किसके इलेक्ट्रॉन्स के तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स पर जो इसके ऊपर नेट चार्ज है वो क्या रहेगा जीरो ही रहेगा अभी देखो अगर हमें देखने से तो लग रहा है क्योंकि यहां पर क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो क्या होना चाहिए था इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था ठीक है पर ऐसा तो नहीं हुआ क्यों क्योंकि देखो न इसके पास इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा है ठीक है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है पर ये बाद में क्या कर देता है इसको ये तो डोनेट कर देता है ना अपना फ्री इलेक्ट्रॉन जब इसने डोनेट कर दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गया एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो गया तो टोटल चार्ज कितना रह गया इस पर सेम नेट चार्ज क्या रह गया इस पर जीरो ही रहेगा क्लियर हुई वाली बात ठीक है तो ये होते हैं एन टाइप सेमी एंटाइप सेमी कंडक्टर्स कैसे कैसे बनाते हैं हम जब हम क्या करते हैं प्योर सिलिकन के सेमी कंडक्टर्स में क्या ऐड कर देते हैं पेंटावलेंट इम्प्योरिटीज मीन्स जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फाइव होते हैं फाइव होते हैं फोर ने तो बॉन्ड बना दिया और जो फिफ्थ वाला इलेक्ट्रॉन है वो अनबाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया ठीक है तो अब इसके इसमें क्या हो गया आपके पास ऐसे बहुत सारे जो आ, होंगे जो फॉस्फोरस के एटम्स होंगे वो सबके सब क्या करेंगे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देंगे कंडक्शन के लिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कैसी होगी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स तो मेजोरिटी कैरियर एन टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्टर में क्या बन गए इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी कैरियर क्या बन गए इसमें होल्स बन गए क्लियर हो गया अब आते हैं हम पी टाइप सेमे में पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है सेमीकंडक्टर कंडक्टर विच ऑप्टेन्ड डोपिंग द टेट्रावेलेंट सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम विथ ट्राइवेलेंट एंटी इंप्योरिटीज इसमें कौन सी डालेंगे हम सिलिकॉन और जर्मेनियम में के प्योर सेमीकंडक्टर में कौन सी इंप्योरिटी डालेंगे ट्राइवेलेंट एंटी इंप्योरिटीज ट्राइवल एंट इम्प्योरिटीज कौन सी होती हैं जैसे एलुमिनियम बोरोन ठीक है जिनके वैलेंस शेल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थ्री वो होगी ट्राइवेलेंट एंटी इंप्योरिटी तब बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर अब देखो यहां पे अगर इसकी हम कंस्ट्रक्शन देखें तो कैसी है ये तो सिलिकन सिलिकन हो गया इनके पास क्या है इनके पास तो फोर फोर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एल्यूमिनियम के पास कितने हैं थ्री फ्री इलेक्ट्रॉन है ठीक है तो इसके तीन तो बना देंगे कोवलेंट बॉन्ड सिलिकन के साथ पर एक क्या रह जाएगा ये वाला भी ये क्या रहेगा गया एम्पटी सिलिकन का ये तो नहीं बना पाया ना क्योंकि इसके पास तो है ही नहीं ठीक है इसके पास तो डेफिशिएंसी है तो यहां पर क्या हो गया होल ठीक है तो एल्यूमिनियम के लेके आ रहा अपने साथ होल लेके आ रहा है एल्यूमिनियम का एक ही आइटम नहीं होगा और भी होंगे तो नंबर ऑफ होल्स की वैल्यू क्या हो गई अब ज्यादा तीन के साथ तो बना दिया उसने बॉन्ड बट ये 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 तो रह गया ठीक है अब अब वाला वाला होल अब ये वाला होल क्या करेगा इसके नियर बाय कोई भी कोवलेंट बॉन्ड होगा जब वो बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एकदम से जाएगा और जम कर लेगा इसके ऊपर ठीक है तो ये क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है एक्सेप्ट करेगा ये क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं देने के लिए ठीक है तो दे तो नहीं सकता है पर ये पास इसके पास फ्री स्पेस है वेकेंट है ये तो ये क्या करेगा अब क्या कर लेगा पॉजिटिव चार्ज है ये क्या ले लेगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को तो इसलिए हम क्या कहते हैं जो ये ट्रेवलेंट इंप्योरिटी आइटम है इनको हम क्या कहते हैं एक्सेप्टर भी कहते हैं समझ आए क्यों एक्सेप्टर कहें? कहेंगे क्योंकि ये क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे ये एक्सेप्ट करेंगे लेना चाहेंगे ना इलेक्ट्रॉन को इसलिए इनको एक्सेप्टर भी कहते हैं तो पी टाइप से में नंबर ऑफ होल्स मेजोरिटी कैरियर हो गए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो गए माइनॉरिटी कैरियर्स हो गए और नंबर ऑफ होल्स की वैल्यू जो है ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू किसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इसमें भी नंबर जो आपके पास होल्स हैं वो टू टाइप से क्रिएट uh, हो रहे हैं कैसे एक तो थर्मल जनरेशन से जो हमारा नॉर्मल वाली स्टोरी है कि जो जब हम इसमें क्या करते हैं हीट देते हैं ये कोविलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गया फ्री हो गया और उसकी जगह पे क्या बन गया यहां पे इसने अपना स्पेस छोड़ा होल बन गया एक तो ये होल तो बन ही रहे हैं पर अब हमने जो इम्प्योरिटी आइटम डाला है वो अपने साथ होल लेके आया है ठीक है तो अब नंबर ऑफ होल्स क्या हो गए इसमें ज्यादा हो गए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं बढ़ रहे क्यों क्योंकि वो तो बस यहीं से जहां से इसको हीट किया और इसने इलेक्ट्रॉन ये जो बाहर गया फ्री इलेक्ट्रॉन बस वही वाले हैं तो पी टाइप से में क्या हो गया होल्स की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स क्लियर है और इनको एक्सेप्टर भी कहते हैं क्योंकि एक्सेप्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन और इसमें भी क्या रहेगा जो ओवरऑल जो चार्ज है वो क्या रहेगा इसमें जीरो ही रहेगा कैसे अभी आप बोलोगे तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था इस पर तो क्योंकि ये तो क्या है होल है पर नहीं देखो ये तो ठीक है इसके पास होल है पॉजिटिव चार्ज है पर बाद में क्या कर लेता है ये यहां से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके ऊपर जब ये इलेक्ट्रॉन अपने में ले लेगा तो क्या आ जाएगा इस पर नेगेटिव चार्ज तो वो नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर लेगा कैंसल आउट कर लेगा और जो ओवरऑल चार्ज है इसमें उसकी वैल्यू क्या रहेगी जीरो ही रहेगी तो नेट चार्ज इसमें जीरो ही रहेगा क्लियर हो रहा है ये ठीक है ये थे एन टाइप सेमी एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर ठीक है एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाली जिसमें क्या थे वैलेंस शेयर में फाइव इलेक्ट्रॉन्स थे तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए उस केस में ज्यादा हो गए ठीक है तो वो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्टर मेजोरिटी कैरियर उसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए और पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने क्या किया ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डाली मीन्स जिसके इंप्योरिटी एटम वो वाली जिसमें जिसके में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे आ, थ्री थे तो ये अपने साथ क्या लेके आ रहा था होल्स को लेके आ रहा था ठीक है तो इस वाले केस में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो गए तो मेजोरिटी कैरियर होल्स हो गए और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या हो गए इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्लियर हो गया ये तो आज हमने ये एन टाइप और पी टाइप सेमी कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा ओके थैंक यू